ये क्या चीज है मुझे तो समझ आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, पता नहीं क्या चीज है, पटली या फिर किसी है, पटली किसी साइज से, पता नहीं क्या हाल है, पटली वटली किसी भी साइज से या फिर कुछ और ही होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले, जैसे अपने टाइटल थंबनेल में देख ही लूंगा, अपन जाने वाले बैतूल टू इंदौर। और आज अपन पूरी बोले तो अच्छे से आपको वाली वीडियो बना के दिखूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बोले तो बनाई थी, 15 मिनट के कुछ बनी थी, लेकिन उतना अच्छा डिटेलिंग नहीं हो पाई थी, उतने अच्छे व्यूज भी नहीं गए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं डिटेलिंग और छोटी वीडियो कोशिश करूंगा, पूरी अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। आज की तारीख 1 फरवरी और मैंने अभी पेपर कर लिए, क्योंकि क्या है मेरे पेपर चालू थे और मैंने पेपर चढ़ो तो मैंने पेपर वेपर सब लिख लिया। तो आज है सबमिट की तारीख, तो आज सबमिट करेंगे, उसके बाद चलेंगे इंदौर। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं घर पे हूँ फिलहाल, अभी स्कूल चलते हैं, पेपर को देते हैं, उसके बाद पूरी डिटेलिंग आपको मैं बताऊंगा ट्रेन जर्नी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक ठोक देना प्लीज। अब मैं दोस्तों आ चुका हूँ पेपर पर देके, अब चलते हैं अपन ट्रेन जर्नी। तो आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो पे, जो कि ट्रेन जर्नी के ऊपर पूरी डिपेंड होंगी और मैं कोशिश करूंगा याली वीडियो डिटेलिंग बने, मतलब अच्छी बने। तो चलो इस वीडियो को आगे अपन सीधे स्टेशन में मिलते हैं, है ना दोस्तों। अब आ चुके हैं, ट्रेन का जो नंबर है 14623 है और ट्रेन का नाम सबसे पतालकोट है और उसी ट्रेन में अपन बैठेंगे। ये जो ट्रेन है ये छिंदवाड़ा से चालू होती है और ये बहुत दूर तक जाती है, दिल्ली की भी आगे तक जाती है, मेरे को लास्ट टाइम नहीं पता कहाँ तक जाती है, लेकिन बट ये छिंदवाड़ा से चालू होती है आंवला जंक्शन से, फिर बैतूल आती है और बैतूल से चलती है फिर भोपाल तक, और भोपाल से अपन चेंज करेंगे ट्रेन को। तो इस जर्नी में आप प्लीज आखिर तक वाली वीडियो को देखते रहना। तो ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन जो आई है 10 मिनट डिले आई है, वो देख सकते हो इसका इंजन आ चुका है इधर ही, तो उसको आने देते हैं अपन फटाफट आ जाए। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी मैंने इसी ट्रेन में बनाई थी, उसको आने देते हैं अपन फटाफट। तो आ चुका है इसके अंदर लोको WAP7, रुक जाओ भैया साहब। तो ये आ चुका है लोको, यहीं पे ट्रेन खड़ी हो जाएंगी, ज्यादा आगे नहीं जाएंगी, यहाँ से स्टेशन खत्म भी हो चुका है। तो अब अपनी ट्रेन निकल गई है और चल रही है अभी भी ट्रेन। और भैया बाय बाय, ये रोहित भैया और ये अंकित भैया, रोहित भैया बाय बाय। तो चलो आगे चल ही रही है ट्रेन, तो चलो अपन अपनी सीट पे जाके बैठ। वो आप देख सकते हो बैतूल से ट्रेन निकल चुकी है। तो अब दोस्तों जो ट्रेन जा रही है मेरे ही घर के पीछे साइड से जा रही है, इधर ही मेरा घर पड़ता है, मेरे घर के पीछे साइड में पटरी है, वहीं से ये जो ट्रेन जा रही है। तो फिर उसके बाद जब ट्रेन आगे जा रही थी, मल्लम जी के आगे चला गई थी ट्रेन, तो तब पहाड़ी इलाका पड़ जाता है, ये पहाड़ी इलाका सतपुरा मेलघाट का है। फिर एक अला स्टेशन था, स्टेशन का नाम तो पता नहीं, लेकिन ये जो स्टेशन है घोड़ा डोंगरी के पहले पड़ता है। तो अब हमारी जो ट्रेन है घोड़ा डोंगरी पहुंच चुकी थी, बैतूल से सेकंड होल्ड उसका घोड़ा डोंगरी था और यहाँ पर आ चुकी है ट्रेन। और जो घोड़ा डोंगरी पे यहाँ पर 1:06 का टाइम था और यहाँ पर 1 मिनट का होल्ड है इस ट्रेन का, उसके बाद वापस ट्रेन चल जाएंगी। तो जैसे कि आपने देखा राइट साइड में थी मालगाड़ी और मालगाड़ी से उसको ओवरटेक करके अपनी ट्रेन चल रही थी। और एक चीज़ बता दूँ, मैं खाना घर से लेके आया था और जब मैं खाना खा रहा था और बाहर के सीन देख रहा था, तो मेरे तो नेक्स्ट लेवल ही एक टाइप का मज़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी खाना खा रहा था और बाहर के नज़ारे देख रहा था, बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, मतलब ठाई वाला अच्छा एकदम लगा खाना खा के समय, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ट्रेन आगे चल रही थी, ट्रेन आगे जाने के बाद फिर एक जगह ट्रेन रुक जाती है और यहाँ पर बोले तो होल्ड हो गया था इस ट्रेन का, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ सिंगल से, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो हमारी जो ट्रेन थी वो रुक गई थी, आप आगे देख सकते हो रेड सिंगल हो चुका है। तो अब जो ये ट्रेन को इसलिए रोक दिया था क्योंकि ट्रेन जो है समय के पहले हो गई थी, तो इस ट्रेन को भी रोक दिया गया था। कभी कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ट्रेन जर्नी बड़ी करेंगे, अभी तो छोटी सी ट्रेन जर्नी थी, आने वाली वीडियो में ट्रेन जर्नी थोड़ी बड़ी करेंगे। उसके बाद फिर ट्रेन चढ़ने लगी थी, आपको मैं दिखाता हूँ परछाई से, यहाँ पर एक है ना ट्रेन की परछाई, आपको मैं उससे दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, मैं जूम करके बताता हूँ, आप देख सकते हो ट्रेन चलने लगी थी। अब आप दोस्तों इटारसी पहुँच चुके हैं और इटारसी का टाइम जो है वो 2:15 और ये टाइम पूरी तो हो चुकी है ट्रेन स्टेशन, बाकी इटारसी तो पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप इधर साइड में, और अभी यहाँ पर रुक चुकी है ट्रेन। अब आ चुके हैं इटारसी पे, इटारसी 2:15 में आना था ट्रेन को, 2:15 पे ही आई है ट्रेन,
और बहुत ही मस्त लग रहा है। पीछे दूसरी ट्रेन है मेरी, ये साली ट्रेन से मैं आया हूँ। भोपाल से मेरी जो ट्रेन होगी वो चेंज होगी, प्लीज लास्ट तक मेरी वीडियो बने रहना, बस इतना ही कहना है मुझे। तो चलो मैं ट्रेन के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि सीट ना कोई बैठने जाए सीट पे, तो फटाफट मैं जाता हूँ ट्रेन की सीट पे। ये वाली ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट के बाद ये चला जाएंगी। और अभी टाइम हो चुका है शायद से, क्योंकि ये जो है 2:25 में यहाँ से निकल जाती है। तो देखते निकलेंगे वैसे अपन ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे। अभी तो ट्रेन निकली नहीं है, लेकिन बट 2 मिनट के बाद निकल सकती है। 2:25 का अपन टाइम है निकल देगा ट्रेन का। टाइम हो चुका है 2:27 हो चुका है, 2:27 हो चुका है और अभी तक निकली नहीं है, ट्रेन सिंगल ही है। ये जो ट्रेन अभी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आगे से एक ट्रेन आ रही है और उसको चाहेंगी ये। तो ये ट्रेन आ रही है इसलिए यानी ट्रेन रुक गई है हमारी वाली। ये ट्रेन आ चुकी है, अब इसके बाद इस ट्रेन को निकाल देंगे, क्योंकि जिस पटरी से ये जो ट्रेन आ रही है इसी पटरी पे जो है ये जाती है, देख सकते हो आप, इसलिए ये रुकी है। और जब वाली ट्रेन यहाँ पर आ जाएंगी तब इस वाली ट्रेन को छोड़ दिया जाएगा। अब वाली ट्रेन का टाइम हो चुका है, नीला हो चुका है सिंगल, तो चलो फटाफट ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और ये ट्रेन यहाँ रुक गई है, चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर ब्रिज के नीचे से हमने बना है। इसके पहले मैंने ये नहीं पता पाया कि ब्रिज के नीचे बना है, लेकिन बट ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई भी यहाँ से जाता है तो यार मंदिर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मंदिर है ब्रिज के नीचे साइड में बना है। अभी तो भोपाल भी जाएंगे, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप इस ट्रेन का वो है होशंगाबाद, तो होशंगाबाद में मिलते हैं। और अभी इटारसी से निकल चुकी है, तो फिर जब हमारी जो ट्रेन थी पूरी भर चुकी थी, अब हमारा टाइम हो गया था कि भोपाल पे हम उतर जाए। तो अब फिलहाल तो ट्रेन चली रही थी, स्टेशन पे पहुंच गई थी, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन रुकती है उसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो अब वाली ट्रेन निकल जा रही है जिस ट्रेन से हम लोग आए थे, अभी मैं आ चुका हूँ भोपाल पे। और वो जो ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग आए थे वो चला जा रही है, मतलब जा रही है वो। और ये ट्रेन जाएंगी भोपाल टू इंदौर। तो अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी ट्रेन से, इसके आगे की जर्नी तो आपको नहीं बताऊंगा, अब मैं अपनी वीडियो में टाइटल कर दूंगा कि बैतूल टू भोपाल इन ट्रेन। यानी वीडियो अपने यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो में, इतने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। अब मैं आ चुका हूँ इंटरसिटी में, ये भोपाल का स्टेशन इंटरसिटी पे आ चुका हूँ। तो सैनिटाइजर कर लेता हूँ अपनी जगह पे और फिर बैठ जाता हूँ। मुझे लाइक और सब्सक्राइबर्स तो रिव्यू चाहिए था यूट्यूब पे, इतनी सी बात? हाँ इतनी सी बात है बेटा, मेहनत करते रहो बहुत आगे जाओगे एक दिन, बहुत बस मेहनत करते जाओ, तरक्की करते जाओ। अभी कर देती सब्सक्राइब, ठीक है प्लीज लाइक। हाँ अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। बोलिए, बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ, बोलो
बोलो क्या काम है, क्या मांगते तुम? पैसा देला, सब तो पैसा तो कोई मांगता ही नहीं। मैं लाइक मांगता हूँ। तो क्यों मांगते हो बेटा, आगे चल के बस मेहनत करते जाओ, बहुत मिलेगा, सब मिलेगा। मिलेगा 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 मिलेगा।